हेलो सलाम बेटी, आज चाय हम ले जाएंगे। अच्छा। मुबारक हो। सुनो, आज के दिन हम सब पुरानी बातें भुला देंगे। जो तुमने कहा वो मैं भुला दूंगी, जो मैंने कहा वो तुम माफ कर देना, और जो मैंने कहा उसे तुम भी तो माफ कर देना। करोगी ना? औरत के पास माफी नहीं, प्यार होता है, बस प्यार। सॉरी स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी। चाय नहीं पियोगे? चाय तो हम जरूर पियेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ आइए, चाय बनाइए। अरे नीलू, ये फूल कैसे? आज के दिन का तोहफा। तोहफा? ये हमारी तरफ से आपके लिए, और ये आपकी तरफ से हमारे लिए। आपकी तरफ से हमारे लिए, हमारी तरफ से आपके लिए, लेकिन बात क्या है? याद नहीं, भूल गए ना? 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर? उधर देखो। आ लकीस्ट डे 18th अक्टूबर। अच्छा, तो ये बात है। यही बात है। आज का दिन कितना मुबारक दिन है नीलू। आज के दिन तुम इस घर में आई, इस घर को रोशन किया। अरे जाओ, ये सब मुंह देखे की बातें, आपको तो याद भी नहीं था। सारे गिले तमाम हुए इस जवाब में। देखना आज शाम को ऐसी शानदार पार्टी करूंगा कि लोग सालों साल याद करेंगे। सालगिरह मुबारक हो भाभी जान। शुक्रिया। आदाब। भाई कमाल, शादी की पहली सालगिरह का जश्न तो शादी से भी नंबर ले गया। आदाब। अरे ये केक देखा? दो दिल मगर यहाँ तो एक ही दिल नजर आ रहा है। शायद वसीम साहब नहीं आया अभी तक। भाई नवाब है, नवाब, नवाब वसीम अहमद साहब। ठीक है ठीक है, लेकिन जब दावत दी है तो खुद भी तो आना ही चाहिए था। भाई आज तो बेगम वसीम पर नजरें नहीं टिकती, तिसली पड़ रही है। आए हाय, बारी जाऊं, मेरी दुल्हन पाशा कितने चाव से सिंगारा करी, मगर क्या फायदा, देखने वाला खाविंदी ची नहीं आया। आदाब 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 भाभी जान, आदाब आदाब आदाब, मुबारक हो। भाई हद कर दी वसीम साहब ने, ऐसी हसीन महजबीन नाजनीन दिलनशी नीलोफर को छोड़कर आपने प्लाईवुड के दफ्तर में लाहौल वाला कुबल। शायद किसी काम में उलझ गए। अरे भाभी, आप तो अपने आप में ही फुल टाइम जॉब है, आपसे बढ़कर भी कोई जरूरी काम हो सकता है? आप तशरीफ तो रखिए। हाँ वो तो हम रख लेंगे, आप ये रख लीजिए। हम लोगा तो यहाँ बुला को खुद क्या के गायब हो गए। तुम पाप बेचारी इंतजारी करते बैठे, अब हम लोगा क्या ढपले बजाते बैठना? बजाते होंगे, अभी अभी टेलीफोन आया है। आए हाय, कुर्बान जाऊं भोली पाशा, एक घंटे से तो हम लोगा इधर ही छे। फिर क्या है कि बाबा फोन तुम्हारे कान में आकर बोला होगा। ट्रस्ट चाहिए तो नेट मेड्स पे जाओ, ओरिजिनल मेडिसिन एक्सपायरी डेट के साथ पाओ। अरे भाई कोई सोडा वोडा का इंतजाम? नहीं 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 नहीं, इन मोतियों को यूं जाया मत कीजिए। अरे आपकी मेज पर तो कुछ ठंडा ही नहीं। फिक्र मत कीजिए, हम तो अपना बंदोबस्त घर से ही करके चले थे। दो गली बैठ जाइए, शराब न सही शबाब ही सही। कसम अल्लाह की, आपकी खूबसूरती का 10वां हिस्सा भी होती हमारी बेगम तो घर की चौखट लांगना भी कुफ्र होता। हाँ सुनिए, उस मैगजीन के प्रपोजल के बारे में एक बार फिर सोच लीजिएगा, शायद कभी काम आ जाए। आदाब। ये छोटे नवाब कहाँ रह गए? छोटी दुल्हन, मैं क्या जानू, सब लोग यही पूछ रहे हैं, झूठ बोलते बोलते मेरी जबान छिल गई है। खाने में बहुत देर हो गई है, तो लगवा दीजिए ना खाना। लेकिन आपने तो कहा था केक पहले कटेगा। शादी का केक अकेले हाथ से नहीं काटा जाता जुम्मन चाचा, इसे भिजवा दीजिए अंदर। आप कहाँ चली? ऊपर। ऊपर क्यों? रोने।
अरे भाई सोडा लाओ। अरे मेरे को ऐसी बेइज्जती की बात आज जरा भी अच्छे नहीं दिखती। मैं पूछती हूँ, हम लोगों के यहाँ टुकड़े तोड़ने को आए? कमाल है, मेहमान हाजिर मेजबान गायब। देखिए तुम लोग अपनी इज्जत, मर्द का तो पता नहीं दुल्हन पाशा क्या की कमर लटकाते हुए चल दिए। अरे जिसको अपनी बेइज्जती का शौक हो ना, उन्हें बेशर्म बनकर खाएगा। मैं तो चली। वल्लाह आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली भाई। वाकई जहाँ मेहमान की इज्जत न हो वहाँ तो एक घड़ी भर रुकना भी हराम है। हम तो चले भाई, चलो चलो जुम्मन चाचा, पार्टी क्या इतनी जल्दी खत्म हो गई? मेहमान बगैर खाना खाए ही चले गए। क्यों? आप आए नहीं और छोटी दुल्हन आपका इंतजार करते करते ऊपर चली गई। मेहमानों को छोड़कर? जी। ये क्या लगवेत है, मेहमानों से घर भरा हो और मेजबानों ने छोड़कर ऊपर चला जाए? लाहौल वाला कुवत, ये क्या बेहूदगी है? मेहमान खाना खाए बगैर चले जाए और बेगर साहिब आई आराम फरमा रही है। देश से खुद आते हो और इल्जाम मुझे देते हो, किया क्या है मैंने? अपने खाविन की बेइज्जती की है, इस घर की तहजीब को लोगों में जलील किया है। कितने शर्म की बात है कि मेहमान खाना खाए बगैर चले जाए। तो क्या मैं उन्हें अपने हाथों से खिलाती? लेकिन तुम्हें वहाँ मौजूद तो रहना चाहिए था। बिजी थी। बिजी? शादी की पहली सालगिरह का मातम मना रही थी। देखो नीलूफर, मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं। और मैं भी ऐसी बातें सुनने की आदि नहीं। तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है, इंतजार, आंसू। ये गलत है, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार किया है और रोज रात को रोज साथ सोने को प्यार नहीं कहते और रोज मुंह फुलाकर पड़े रहने को भी प्यार नहीं कहते। सुनो नीलूफर, तुम्हें मेरे दोस्तों से माफी मांगनी होगी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। करना होगा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। और मैं ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हारा खाविंद हूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम अपनी हैसियत भूल रही हो। तुम अपनी तहजीब भूल रहे हो। शट अप! हाथ क्यों रुक गया? मारो, मारते क्यों नहीं अपनी बीवी को? एक जानवर और कर भी क्या सकता है। नीलूफर! चिल्लाओ मत, चीखना मुझे भी आता है। गुस्ताख बदतमीज औरत, मैं तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ। ये शौक भी पूरा करके देख लो। ये बात है तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम! तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं।